स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर दो टाइप के इन्वायमेंट होते हैं एक इंटरनल इन्वायमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायमेंट होता है तो जो एक्सटर्नल इन्वायमेंट होता है वो बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल होता है यानी कि बिज़नेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और जो एक्सटर्नल इन्वायमेंट है वो हमेशा जो है चेंज होता रहता है एक्सटर्नल इन्वामेंट फैक्टर्स कीप चेंजिंग तो एक्सटर्नल इन्वामेंट फैक्टर्स कौन कौन से आपको सभी को पता होगा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल डेमोग्राफिकल नेचुरल तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं ये चेंज होते रहते हैं क्लियर बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है उससे मतलब नहीं है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर ये अपना चेंज होते रहेंगे अलग अलग चीजों की वजह से तो ऐसे केस में जब चीज़ें चेंज होती रहती हैं एक्सटर्नल इन्वायमेंट चेंज होता रहता है तो वो स्ट्रेटजी जो अभी तक बिजनेस अडॉप्ट करके बैठी थी जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर वही स्ट्रेटजी जो है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगी सो वॉट वर्क बिफोर इज़ नॉट नेसेसरी विल वर्क नाउ यानी कि पहले जो भी स्ट्रेटजी काम किया था जरूरी नहीं कि वही स्ट्रेटजी आज भी काम करेगी जैसे कि आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में देखिए तो पहले क्या था कि हम लोग सी डी डी इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए फिर हार्ड डिस्क ड्राइव आया था उसके बाद अब एस लेटेस्ट चल रहा है तो एच और एस में डिफरेंस इतना है कि SSD जो है वो काफी फास्ट है तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं अगर आज के टाइम पर जो लैपटॉप बना रही हैं कंपनीज वो एच से एसएसडी की तरफ नहीं मूव करेंगी तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी और एक्सटर्नल वर्मेंट में ये सारी चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो ही रहे हैं लोग एसएसडी यूज कर रहे हैं तो जो एस यूज करेगा भाई हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि क्लिक करते ही डेटा ओपन हो जाए फाइल ओपन हो जाए तो वो एस में ही होता है कि जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत फाइल ओपन हो जाता है नहीं तो एच में क्या होता है पहले थोड़ी देर घूमता था उसके बाद फिर फाइल जो है फोल्डर जो है वो ओपन होता था तो जो लैपटॉप्स जो कंपनी एस का यूज करेंगी वो उनकी डिमांड ज्यादा होगी वो उनका जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसीलिए जो स्ट्रेटजी इस आप पहले यूज करते थे वही स्ट्रेटजी आज भी काम करे ऐसा जरूरी है क्यों क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने कोडेक का नाम सुना होगा कोडेक क्या है एक फ़ोटोग्राफी कंपनी थी जो कि फोटोग्राफ्स खींचने के लिए जो डिफरेंट मशीन्स थी वो बनाती थी तो कोडेक अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए आजकल डिजिटल फ़ोटो का कैमरा का ये वहाँ पर यूज़ होता है तो कोडेक जो है इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को रैपिड जब डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई और वो फेल हो गई तो आज कोडेक का मार्केट क्या है डाउन हो गया है डिजिटल फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पर आप मोबाइल फ़ोन में देखें तो नोकिया एक बैंड था ग्लोबल मार्केट में इसकी लीडरशिप थी लेकिन इस ग्लोबल मार्केट लीडरशिप को नोकिया ने खो दिया क्यों क्योंकि स्मार्टफ़ोन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए उसको जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई सही से यानी कि जो इनकी स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं पुरानी वाली रह गई और जो है एक्सटर्नल इन्वर्ल्ट में चेंजेस की वजह से नोकिया कोडेक ये सब जो है आउट ऑफ द मार्केट हो गए यानी कि इन्होंने अपनी लीडरशिप मार्केट से खो दी क्लियर तो स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट यही होता है यानी कि जब कंपनी की स्ट्रेटजी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी होती है वो एक्सटर्नल इन्वाउमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है उसमें फिट नहीं बैठती है तो इसी को स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहा जाता है देखिए ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव स्लोली स्लो मूवमेंट टूवर्ड्स समथिंग यानी कि जब किसी तरफ आप जो है धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहा है तो स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट क्या है एक सिचुएशन है ये सिचुएशन तब आती है जब स्ट्रेटी परस्यूड अ बिजनेस इज नो लॉन्गर फिट्स विद अराउंड इट यानी कि जो आसपास की इन्वायरमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उस में जो है कंपनी की जो करंट स्ट्रेटजी वो फिट नहीं बैठती है तो उस सिचुएशन को स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहा जाता है ए बिजनेस फेज टू अडॉप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड डज नॉट मेक एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स वाइडर इन्वायमेंट यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आसपास के इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर चेंज नहीं करती है स्ट्रेटजी बनाकर अडॉप्ट नहीं करती है तो उसको उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहा जाता है यानी कि जो प्रेजेंट स्ट्रेट है कंपनी की वो कहीं ना कहीं कंपनी को पीछे लेके जा रही है स्लो ग्रो कर रही है स्लो मूवमेंट है कंपनी का बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी क्लियर क्योंकि वो पुरानी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल मूवमेंट में बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनानी थी रीफ्रेम करनी थी लेकिन उन्होंने वो जो है पुरानी स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं तो उसकी वजह से उनका मूवमेंट क्या हो गया है स्लो हो गया है किसी को स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहा जाता है जब जो कंपनी की स्ट्रेटजी है वो इन्वयरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं होती है एन्वायमेंट में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और कंपनी की स्ट्रेटजी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर तो स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट में चार इंपॉर्टेंट फेजेज होते हैं स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू फोर डिस्टिंक्ट फेजेज इंक्रीमेंटल चेंज स्ट्रेजिक ड्रिफ्ट फ्लक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और डेथ तो इसको हम जो है ग्राफ के जरिए समझते हैं क्लियर तो यहां पर एक्स एक्सिस पे आपको जो है टाइम दे दिया गया है वहीं पर वाई एक्सिस में आपको जो है चेंज दिया गया है ठीक है अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज हो रहा है तो यहां पर जो सबसे पहला फेज है दैट इज इंक्रीमेंटल चेंज इंक्रीमेंटल चेंज में क्या होता है कि यहां पर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये क्या है इन्वायमेंट में चेंज हो रहा है इन्वायमेंटल फैक्टर में चेंज हो रहा है वहीं पर जो रेड लाइन है वो स्ट्रेजिक चेंज है जो कि धीरे धीरे कंपनी जो है अपनी स्ट्रेजिक में चेंज कर रहा है तो यहां पर क्या है कि इनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी भी अपने स्ट्रेटजी में क्या करिए चेंज करिए तो यहां पर देखेंगे चार बार चेंज किया गया है वन टू थ्री फोर तो चार बार इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि चार बार स्ट्रेटजी में चेंज किया गया लेकिन अभी भी जो है एनवायरमेंटल चेंज को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाई है कंपनी की स्ट्रेटजी तो ये पहला स्टेज कह रहा है इंक्रीमेंटल चेंज यहां पर गैप जो होता है स्ट्रेटजिक चेंज में जो हो रहा है और जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है इसमें जो गैप है बहुत कम होता है तो इस फेज को हम इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रेटजिक चेंज तो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और स्ट्रेटजिक चेंज जो है वो इंक्रीमेंटल चेंज है लेकिन स्लो चेंज है तो यहाँ पर क्या हो गया कि इन्वायरमेंटल चेंज और स्ट्रेटजिक चेंज में क्या हो गया गैप ज्यादा हो गया तो इसी फेज को हम क्या कहते हैं स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहते हैं जहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज्यादा चेंज हो गया है और कंपनी जो है वो पीछे रह गई है कंपनी की स्ट्रेटजी उस इन्वायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है क्लियर वहीं पर जो तीसरा फेज है दैट इज फ्लक्स तो फ्लक्स क्या है ये थर्ड फेज है थर्ड फेज में क्या होता है कि यहां पर कंपनी बार बार चेंज कर रही है बार बार चेंज कर रही है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रही है अभी तक क्या हो रहा था थोड़ा थोड़ा जो ग्रोथ हो रहा था अभी तक जो इंक्रीमेंटल चेंज और स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट में था थोड़ा थोड़ा चेंज करने पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था के नज़दीक पहुंच रहे थे लेकिन अब फ्लक्स में क्या है कि इन्वयमेंटल चेंज बहुत ज्यादा हो गया है और फ्लक्स

चेंज करें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करें कंप्लीटली चेंज कर ले अपने आप को या फिर कंपनी को बंद कर दें बिजनेस ऑर्गेशन को बंद कर दें तो इसी को कहते हैं स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट फेजेस क्लियर ओवरऑल स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट का मतलब यही होता है कि जब कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो एनवायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है तो उसी को स्ट्रेटजिक ड्रिफ्ट कहते हैं या फिर जो कंपनी है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं बना रही है या फिर जो स्ट्रेटजी बना रही है वो फिट नहीं बैठ रहा है इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं स्ट्रेजिक ड्रिफ्ट कहते हैं यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग